व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में करेवा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। कश्मीर की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसे करेवा कहा जाता है, को विकास के नाम पर नष्ट किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी खतरा है। अब जान लेते हैं कि करेवा क्या है। करेवा शब्द कश्मीरी बोली से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊंचा पठार यानी एलिवेटेड टेबल लैंड। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन 1859 और बाद में लिडेकर 1878 द्वारा किया गया था। ये पठार 13,000 से 18,000 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित होते हैं। करेवा अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और बलुआ पत्थर जैसे अन्य तलछट से होते हैं। ये केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब जान लेते हैं करेवा के महत्व के बारे में। कश्मीरी केसर की खेती करेवाओं पर की जाती है। कश्मीरी केसर को 2020 में GI टैग प्राप्त हुआ था। यह अपने गहरे लाल रंग, उच्च सुगंध और कड़वे स्वाद के लिए मशहूर है। करेवा तलछट कई मानव सभ्यताओं और बस्तियों के जीवाश्म और अवशेषों समेटे हुए हैं। घाटी में करेवाओं को सबसे उपजाऊ स्थान माना जाता है। आइए समझ लेते हैं करेवा के निर्माण के बारे में। माना जाता है कि इन करेवाओं की उर्वरता इनके गठन के लंबे इतिहास का परिणाम है। यह 2.6 मिलियन वर्ष से 11,700 वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन काल के दौरान बने थे। पीर पंजाल रेंज ने इस क्षेत्र में प्राकृतिक जल निकासी को अवरुद्ध कर दिया और 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैली एक झील का निर्माण हुआ। अगले कुछ शताब्दियों में इसका जल कम हो गया और पहाड़ों के बीच झील सूखने से करेवा बन गए। अब जान लेते हैं करेवा के लिए संकट क्या है। अपने कृषि और पुरातात्विक महत्व के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए करेवा की खुदाई की जा रही है। 1995 से 2005 के बीच काजीगुंड बारामुल्ला रेल लाइन के लिए पुलवामा, बडगाम और बारामुल्ला जिलों में करेवा के बड़े हिस्से को मिट्टी के लिए नष्ट कर दिया गया था। श्रीनगर एयरपोर्ट बडगाम में दामोदर करेवा पर बना है। 6 दिसंबर 2021 को पट्टन गांव के आसपास करेवा की खुदाई और श्रीनगर रिंग रोड के निर्माण के लिए मिट्टी का उपयोग करने के लिए सहमति दी गई थी। 58 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए पुलवामा और बडगाम जिलों में दो अन्य करेवा भी खोदे जा रहे हैं। करेवा के विनाश से झेलम जैसी नदियों में गाद जमा हो सकती है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका निर्माण प्लेस्टोसिन काल में हुआ था। 2. ये केसर, बादाम और सेब की खेती के लिए आदर्श हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।